तो यहाँ से हम लोग बात करेंगे रीजनिंग सेक्शन के बारे में। रीजनिंग सेक्शन के जितने भी सवाल आपके सी सेट एग्ज़ाम 2019 में आए हैं सारे एक साथ यहाँ पे सॉल्व करके बताए जाएंगे। इसके बाद मैथ्स का एक अलग से वीडियो आएगा, उसको भी आप हमारे चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में जाके देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 100 जो आया था, 1 जनवरी 1995 को संडे था तो 1 जनवरी 1996 को क्या होगा? अगर आप लीप ईयर पे खड़े हैं या फिर आपने 29 फरवरी पार नहीं की है तो 1 + 1 का गैप आता है, अदरवाइज +2 का आता है। हम खड़े हैं 95 पे जो कि नॉन लीप ईयर था, वहाँ पे कोई 29 फरवरी जैसा कुछ नहीं है, इस वजह से सीधे +1 कर देंगे। तो संडे के बाद क्या आता है? मंडे, ऑप्शन बी। 99 नंबर देखेंगे, ए भाई है बी का, तो ए भाई हो गया बी का, बी का जेंडर फिलहाल डिसाइडेड नहीं है कि वो उसकी बहन है या फिर भाई। सी पिता है ए का, तो सी हमने पिता बना दिया ए और बी दोनों का, बिकॉज ए और बी आपस में सिबलिंग है। डी भाई है ई का, तो ना तो हमें डी का पता है ना ई का, फिलहाल इसको स्किप करते हैं। ई पुत्री है बी की, तो ई जो है वो बी की बेटी हो जाएगी। उसके बाद जो हमने छोड़ा था उस पर वापस चले, डी भाई है ई का, ये जो ई है इसका भाई कौन हो गया? डी। इसके बाद हमसे पूछा है डी का चाचा कौन है? अगर आप डी के हिसाब से बात करें तो उसकी जो पेरेंट हैं, उसके जो पेरेंट हैं उनमें से एक है बी, ये इसकी माता भी हो सकती हैं पिता भी, लेकिन ये बात तो कंफर्म है कि इन्होंने पूछा है इसका चाचा कौन है, यानी कि इनका सिबलिंग कौन है बी का, तो वो तो ए है। तो ए कहाँ पे दिया है? ऑप्शन ए में। इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है नंबर 95, कंसिडर द स्टेटमेंट, डू साइंटिस्ट बिलीव इन रिलीजन, जितने भी वैज्ञानिक हैं वो धर्म और उससे संबंधित चीज़ों में विश्वास करते हैं क्या? पहला स्टेटमेंट दिया है येस, बिकॉज साइंस इज अ प्रोफेशन विच डजेंट कम इन द वे ऑफ फेथ। जी हाँ, ऐसा बिल्कुल करते हैं, क्योंकि साइंस उनका पेशा है जो कि उनकी आस्था के रास्ते में नहीं आना चाहिए। और दूसरा दिया हुआ है नो, बिकॉज रीजन एंड फेथ डू नॉट गो टुगेदर। दूसरे स्टेटमेंट में साइंस को लॉजिक की तरीके से माना गया है और कहा गया है कि जहाँ लॉजिक हो सकता है वहाँ पे विश्वास जैसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, जबकि पहले में इसी साइंस को हमने प्रोफेशन बता दिया। तो यहाँ पे सारी चीज़ें डिपेंड कर जाएंगी कि आप कौन से साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं, बिकॉज कुछ साइंटिस्ट भगवान को मानते हैं और कुछ नहीं भी मानते। तो ये दोनों केसेस पॉसिबल हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप किसकी बात कर रहे हैं, बिकॉज चाहे वो बंदा साइंटिस्ट ही क्यों ना हो, हर कोई एक दूसरे से अलग होता है। तो आइदर वन और टू, एक बार में एक ही बात सही हो सकती है, दोनों बातें साथ में नहीं सही हो सकती हैं, बिकॉज दोनों पर्सन अलग हैं। 96, रोज को इस तरीके से लिखा है, चेयर को इस तरीके से लिखा है, प्रीच को इस तरीके से लिखा है, तो सर्च का मतलब क्या है? तो ये डायरेक्ट कोडिंग का एग्जाम्पल है, इस यानी कि आर के सामने जैसे 6 है तो आर बराबर 6, आर की वैल्यू 6, ओ के सामने 8 है तो ओ का मतलब 8, इस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। तो एस यहां से तीसरे नंबर पे है और यहां से तीसरे नंबर पे क्या है? 2, तो एस की जगह पे 2 आना चाहिए। वैसे ही ई ई यहां से फोर्थ पे है, वहां पे 1 है तो 1 आ गया। उसके बाद है ए, तो ए सी एच ए यहां पे 4। उसके बाद में आर, ऐसे ही आप कर सकते हैं 6, तो 21 46 शुरू में आ रहा है। कौन से ऑप्शन में ये दिया है? 2 1 4 6, ऐसा एक ही ऑप्शन है ए, तो ये आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ये टिक करा है उनका एकदम सही है, बाकी लोगों का गलत है। 92 की बात करेंगे, इसमें ऑड वन आउट बताना है, तो बी डी 6, इसका मतलब समझते हैं। बी का न्यूमेरिकल इक्वेलेंट होता है 2, डी का 4, 2 और 4 जोड़ दिया तो 6 आ गया। F का मतलब 6, H का मतलब 8, दोनों मिला के 14। J का मतलब 10, L का मतलब 12, दोनों मिला के 22। N का मतलब 14, P का मतलब 16, दोनों मिला के 30, जबकि यहाँ पे 31 दिया है, तो इसका मतलब ये यहाँ से ऑड वन आउट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D। A इज रिचर देन B, 86 नंबर बात कर रहे हैं, तो A B से अमीर है। सी इज रिचर देन ए, एक सी आ गया जो कि ए से भी ज्यादा अमीर है, तो ये बना दिया। डी इज रिचर देन सी, डी को हमने यहाँ रख दिया। ई इज रिचेस्ट ऑफ ऑल, ई को हमने यहाँ पे रख दिया, ई सबसे अमीर है। इफ दे आर टू बी मेट,
टू सिट इन द अबव डिग्री ऑफ रिचेस्ट, मतलब जो जितना अमीर है वो सबसे ऊपर बैठेगा। हु विल हैव द सेंट्रल पोजिशन, बीच में कौन बैठेगा। तो चाहे आप जैसे अरेंज करिए, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में, चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में, चाहे सबसे पहली पोजीशन आप सबसे गरीब को दीजिए, चाहे सबसे अमीर को, बीच में तो सी ही आएगा। सी कहाँ पे दिया हुआ है? ऑप्शन डी में। इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 84 भी बात कर लेते हैं, 17, 21 और 19। तो किस लॉजिक से इसको बनाया गया है वो देखना पड़ेगा। 23, 24, 184। तो 23 और 184 में एक रिलेशन है, 23 अट्ठे होता है 184, सबको पता है। ऐसे ही 17 इंटू 7 होता है 119। इसका मतलब ये जो 17 है नीचे वाला और ये जो 23 है नीचे वाला, ये अपने ठीक ऊपर वालों से मल्टीप्लिकेटिव रिलेशन दिखाएंगे। मतलब इनके ठीक ऊपर वाला इन्हीं का मल्टीपल होना चाहिए, चाहे वो सातवां मल्टीपल हो, आठवां मल्टीपल हो, ये अलग की बात है। तो यहाँ पे ये जो x की पोजीशन है, ऐसा नंबर आना चाहिए जो मल्टीप्लाई करने के बाद 174 हमें दे दे, या फिर कह लीजिए कि 174 इस x का मल्टीपल होना चाहिए। तो चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा है जो 174 को डिवाइड करेगा? तो 174 होता है 87 का डबल, और 29 तिहाई होता है 87। तो इसका मतलब 29 इंटू 6 होता है 174। 29 के अलावा ये किसी और चीज़ का मल्टीपल नहीं है। तो 29 यहाँ पे कौन सा है? डी, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं 83 पे। डेट का मतलब ये है, तो किस तरीके से चलिए देखते हैं। डी होता है 4, 1 टी फॉर 20, ई फॉर 5, डब्ल्यू 23, जेड 26, जी 7, वी 22। तो 23 और 4 जोड़ दिया, 27 आ गया। इसका मतलब ये लेटर एक दूसरे के अपोजिट हैं। 26 और 1 27 हो गया, 7 और 20 27 हो गया। इसका मतलब अपोजिट लेटर का केस आ रहा है, यानी कि जिनको जोड़ने पे 27 आ जाए। तो सी 3, 3 में क्या जोड़ दें कि 27 आए? 24, इसका मतलब एक्स। ओ 15, 12 जोड़ने पे 27 आएगा, 12 होता है एल का, तो एक्स एल। उसके बाद एम, एम होता है 13, 13 में 14 जोड़ेंगे तो 27 आएगा, 14 इज इक्वल टू एन। एक्स एल एन कहाँ पे दिया है? शुरुआत में, ए में। इसको टिक करके आगे बढ़ सकते थे आप। 71 पे आ जाएंगे इसके बाद। इसमें 6 गांव दिए गए हैं ए से लेकर एफ तक, और पूछा गया है विच थ्री विलेजेस आर इन वन लाइन, मतलब तीनों एक लाइन में होने चाहिए, ऐसे कौन कौन से गांव हैं। सबसे पहले यहाँ पे इंस्ट्रक्शन फॉलो हमें करने पड़ेंगे, 6 के 6 इंस्ट्रक्शन, लेकिन हम फॉलो करना वहाँ से चालू करेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो। यहाँ पे ए ए दो बार है, तो इन दोनों इंस्ट्रक्शन को पहले एग्जीक्यूट करेंगे। सी इज 1 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ ए, ए यहाँ है, उसके 1 किलोमीटर ईस्ट में कौन आ जाएगा? सी आ जाएगा। डी इज 1 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ ए, ए से नीचे पड़ेगा उसका साउथ, और 1 किलोमीटर दूर कौन आ जाएगा? डी। उसके बाद ए की फ्रीक्वेंसी यहाँ भी है, तो ए इज, ए खुद कहाँ पे है? 2 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ ई, तो ई यहाँ पे है, उसके नॉर्थ में ए पड़ गया। डिस्टेंस कितना है? 2 किलोमीटर, उनमें से 1 किलोमीटर हम यहाँ पे ले चुके हैं, तो ये बाकी का 1 किलोमीटर यहाँ पे आ जाएगा। आई थिंक सबको बात क्लियर हो गई होगी। तो एक लाइन में तीनों गांव तो भैया ढूंढ लिए हमने, ए डी और ई, तीनों एक लाइन में है ना। ए डी और ई ऑप्शन है कहीं पे? बी में है, ये आपका राइट आंसर यहां से हो जाएगा। विच वन डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, 73 बात कर रहे हैं, आईज, ईयर, टूथ या फिर चिन। तो इसमें मेरे हिसाब से जो आंसर है वो डी, चिन आना चाहिए, क्योंकि चिन स्किन का एक पार्ट है, जबकि ईयर, आई और टूथ हमारे इंटरनल ऑर्गन हैं। तो यहाँ पे डी आना चाहिए। बाकी आप अपना लॉजिक चाहें तो बता सकते हैं आपने कौन सा लगाया। 72 पे आते हैं। रतन इज 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ पवन, तो ये पवन है और ये डायरेक्शन इसकी साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। डिस्टेंस है 40 मीटर, और कौन है यहाँ पे? तो रतन है। उसके बाद है इफ ललन इज 40 मीटर टू द साउथ ईस्ट ऑफ पवन, ये पवन है, उसकी साउथ ईस्ट डायरेक्शन ये है। अब यहाँ पे कौन सा बंदा है? ललन है,
ये डिस्टेंस हो गया 40 मीटर। देन ललन इज़ इन विच डायरेक्शन ऑफ रतन, रतन के रेफरेंस में कौन सी डायरेक्शन है ललन की? तो रतन यहाँ पे है, अगर वो अपने ईस्ट में देखेगा तो उसको ललन देखने को मिलेगा, तो कौन सी डायरेक्शन हो गई? ईस्ट, ऑप्शन नंबर डी। 71 आते हैं, शुड स्कूल एजुकेशन बी मेड फ्री इन इंडिया? भारत में स्कूली शिक्षा को फ्री कर देना चाहिए क्या? यस। पहला आर्ग्यूमेंट है, दिस इज द ओनली वे टू इम्प्रूव द लेवल ऑफ लिटरेसी, साक्षरता दर बढ़ाने का यही एक तरीका है। तो जब भी आर्ग्यूमेंट या फिर अजम्पशन या फिर कंक्लूजन किसी में भी अगर ओनली कीवर्ड आता है ना, तो इसका मतलब इसको हटा देना चाहिए। यही एक तरीका नहीं है, लिटरेसी बढ़ाने के और भी सारे तरीके हो सकते हैं कि आप फीस कम कर दो, स्कॉलरशिप चालू कर दो, जो डिजर्विंग है उनका फ्री कर दो, लेकिन सबका फ्री करना देश हित में नहीं होगा, इकोनॉमी पे बर्डन ज़्यादा हो जाएगा और करंट सिचुएशन अगर आप लोग जानते हैं तो समझ सकते होंगे। दूसरा है, नो इट विल ऐड टू दी ऑलरेडी हैवी बर्डन ऑन द एक्सचेकर, इंडिया की इकोनॉमी पे बर्डन बढ़ जाएगा और ये बर्डन इस समय बहुत ज़्यादा है। ये बात एकदम सही है, अगर स्कूल एजुकेशन आपने फ्री कर दी तो इकोनॉमी पे बर्डन तो बढ़ेगा ही। तो यहाँ से ओवरऑल आंसर हमारा ये होगा कि पहला आर्ग्यूमेंट गलत, दूसरा सही, तो ओनली टू इज स्ट्रांग यहां से करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। 70 नंबर आते हैं, विकास रैंक्स 18 इन अ क्लास ऑफ 49 स्टूडेंट, विकास की रैंक 18वीं दी गई है, मतलब शुरुआत से ऑब्वियस सी बात है शुरू से रैंक नापी जाती है, 1 2 3 4 ऐसे उसकी रैंक 18 है। उसकी रैंक आपको लास्ट से बतानी है क्या होगी। तो जब भी सेम बंदे की रैंक लेफ्ट और राइट दोनों साइड से दी हो तो टोटल निकाला जा सकता है कैसे, टी इज इक्वल टू एल प्लस आर माइनस वन। 49 इज इक्वल टू 18 प्लस एक्स माइनस वन, माइनस वन को उधर भेजेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, ये 50 बन जाएगा, 18 को इधर लाएंगे 50 माइनस 18 32 हो जाएगा, तो 32 यहाँ से करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सी। 54 देखते हैं, चूज द ऑड पेयर, ऑड वन आउट बताइए, बॉटल वाइन, बोतल के अंदर आप शराब डाल सकते हैं, या फिर आप ऐसे समझिए बोतल सॉलिड है जबकि वाइन आपकी लिक्विड है, बॉल बैट दोनों ही सॉलिड हैं, कप टी, कप सॉलिड टी लिक्विड, पिचर वाटर बाल्टी सॉलिड जबकि वाटर लिक्विड। तो तीन ऑप्शन में एक सॉलिड एक लिक्विड है, जबकि जो बॉल बैट वाली कंडीशन है उसमें दोनों सॉलिड हैं, तो ये आपका यहाँ से ऑड वन आउट हो जाएगा, ऑप्शन बी। 52 देखते हैं, इन विच सेंचुरी फेबररी विल हैव 29 डेज फ्रॉम दी फॉलोइंग? तो ये क्वेश्चन एक तरीके से गलत लग रहा है हमें, क्योंकि आप ये समझिए अगर किसी भी साल में लास्ट में 2 जीरो होते हैं उसको लीप ईयर तभी माना जाता है जब वो 400 से कट जाए, या फिर अगर लास्ट में 2 जीरो नहीं है तब आप 4 से काट के देखते हैं, तो 4 से काटने पे ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसे हम 4 से काट नहीं पाएंगे क्योंकि इसमें लास्ट में 2 जीरो दिए हुए हैं, इसे अगर मैं 400 से काटूंगा तो जाएगा नहीं, तो इसका मतलब कोई भी ऑप्शन यहाँ से मैच नहीं कर रहा है, इस क्वेश्चन को क्लेम करना चाहिए। रमन रन्स फास्टर देन मोहन, और ये सारी चीज़ें आपके सामने दी हुई हैं, हु रन्स दी फास्टर, सबसे तेज कौन दौड़ेगा? तो सबसे तेज वही दौड़ेगा जो बाकियों को पिछाड़ दे, तो ऑप्शन एलिमिनेट करना हम लोग शुरू करें फिर। रमन रन्स फास्टर देन मोहन, मोहन से तेज कोई दौड़ रहा है तो क्या मोहन हमारा आंसर हो सकता है, वो सबसे तेज दौड़ सकता है क्या? नहीं, इससे तो तेज दौड़ने वाला एक बंदा हमारे पास है रमन, तो मोहन कैसे सबसे तेज दौड़ सकता है जब एक बंदा उससे आगे है, तो मोहन हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन बी में मोहन है उसको हटा दीजिए। बट नॉट एज फास्ट एज करीम, रमन के बारे में दिया गया है कि वो करीम जितना तेज नहीं दौड़ता, तो रमन से तेज मिल गया ना हमें, तो रमन सबसे तेज तो नहीं हो सकता, इसका मतलब रमन ऑप्शन भी गया। करीम रन्स फास्टर देन सुमन, सुमन से तेज कोई दौड़ गया, इसका मतलब सुमन सबसे तेज नहीं दौड़ सकती, सुमन भी गायब, तो एक ही ऑप्शन बचा आपका अभिनव, इसको टिक करिए और आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 39 और 40 को एक साथ देखेंगे। 39 में कंप्यूटर का मतलब ये है तो सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है? तो कंप्यूटर को इस तरीके से हमने कैसे लिख दिया उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो सी का हमने बी बना दिया इसका मतलब ठीक पहला अल्फ़ाबेट, ओ से हमने एन बना दिया इसका मतलब फिर से ठीक पहला अल्फ़ाबेट, ऐसे ही एम से एल बना दिया,
पी से ओ बना दिया, इसका मतलब ठीक पहला अल्फाबेट लेते जाइए और लिखते जाइए। एस के पहले आर आता है, आर आ गया। ओ के पहले एन आता है, एन आ गया। एफ के पहले ई आता है, ये भी आ गया। टी के पहले एस आता है, ये आ गया। डब्ल्यू के पहले वी, तो आर एन ई एस वी, आर एन ई एस वी यहाँ पे है देखिए, बाकी कहीं नहीं है। तो इस ऑप्शन को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 40 नंबर, सिलेक्ट दी वन विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम दी अदर, ऑड वन आउट बताइए। तो जब भी इस तरीके की सिचुएशन हो, कुछ पता ना चल रहा हो, ऐड करना शुरू कर दिया करिए। 9 8 17 3 20, 5 7 12 9 21, 9 6 15 6 21, 8 2 16 5 21, बाकी जगह 21 लेकिन यहाँ पे 20। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। 36 और 37 की बात करेंगे। रीजनिंग सेक्शन में हमारे यही दो सवाल शेष बच रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है। ऑल मेन आर मॉर्टल, मरणशील हैं सभी, सबको एक दिन जाना है, सही बात है। सम एलिफेंट हैव ट्रंक, कुछ के पास सूंड होती है, ऐसा नहीं है, सभी के पास सूंड होती है। आपने कभी कोई ऐसा हाथी देखा है जिसकी सूंड ना हो, नहीं ना, तो ये यहाँ से गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी, चूज द नंबर विच इज डिफरेंट फ्रॉम दी अदर, ऑड वन आउट का केस है। 27 होता है 3 का क्यूब, 64 होता है 4 का क्यूब, 125 5 का क्यूब, लेकिन ये 144 किसी का क्यूब नहीं होता, इनफैक्ट 12 का स्क्वायर होता है। तो बाकी सभी एन क्यूब के फॉर्म में लिखे हैं, 144 आपका एन स्क्वायर की फॉर्म में लिखा है, तो ये यहाँ से हट जाएगा। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 64 जो कि रीजनिंग का था, इसमें सीरीज को हमें कंप्लीट करना था, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा लॉजिक मिला नहीं है जिससे इस सीरीज को आगे बढ़ाया जा सके। तो इसमें आप बताइएगा, अगर ये क्वेश्चन सही है तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए विद लॉजिक। उसके बाद एक जगह पे यहाँ पे नंबर ऑफ ट्राइंगल गिनने हैं, तो चलिए एक बार गिन के देख लेते हैं क्या राइट आंसर आता है। जब भी इस तरीके का फिगर हो तो एक दो और ये तीसरा, तीन ट्राइंगल हो जाते हैं। तो तीन यहाँ से और एक फिगर इस तरीके का और भी है ये, तो तीन यहाँ से, टोटल 6 ट्राइंगल हो चुके हैं। लेकिन इस तरीके से गिनना नहीं है क्योंकि इससे ट्राइंगल आप रिपीट गिन रहे हैं। एक दो और ये तीसरा तीन, तीन हो गए। उसके बाद आइए ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, 7 ट्राइंगल हो गए। उसके बाद में आप देखें अगर, तो ये है 8, ऐसे ही ये है 9, 9 हो गए, ये हो गया आपका 10वां, ठीक, और ये हो गया आपका 11वां, ये हो गया, और ये हो गया आपका ट्राइंगल नंबर 12। तो मेरे हिसाब से इसमें 12 ही आ रहे हैं और यही इसका राइट आंसर होना चाहिए। बाकी जिन्होंने और दूसरा ऑप्शन टिक किया हो वो भी बता सकते हैं। तो ये 61 और 64 इसमें एम्बिगुअस थे, एक में 12 आना चाहिए और दूसरे में लॉजिक नहीं मिला, बाकी सारे रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। इसके बाद मैथ्स का एक वीडियो आएगा, जिनको देखना हो वो जाके चैनल पर देख सकते हैं।